ये कोई मोदी मैजिक नहीं, ये ईवीएम मैजिक है। जब तक ईवीएम माता जी की कृपा है तब तक पार होते रहेंगे। मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान। नरेंद्र मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। खूब खाओ लेकिन खिलाओ, ये उनका नारा है। अब की बार 400 पार फिर मोदी सरकार, एक नया नारा दिया है। हाँ, उन्होंने 2014 में कहा था 272 पार, 272 पार हो गई। 19 में कहा 300 पार, 300 पार हो गई। और जब तक ईवीएम माता जी की कृपा है तब तक पार होते रहेंगे। मोदी मैजिक कहा जाता है क्या? ये कोई मोदी मैजिक नहीं, ये ईवीएम मैजिक है। राम मंदिर का सर न्योता आया है क्या आपको? क्या जी राम मंदिर जाएंगे? मुझे कोई न्योते की आवश्यकता नहीं है, हमारे हृदय में बसे हैं भगवान राम। न्योता मतलब कांग्रेस के किसी नेता का? पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? इस पर हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं कि नई मूर्ति की आवश्यकता क्या पड़ी। हेमंत सोरेन के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई हो रही है और तो अरविंद केजरीवाल को भी नोटिस दिया गया है। ये तो ईडी का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है, ये हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। जिन लोगों पर ईडी का पहले छापा पड़ा वो मुख्यमंत्री हो गए, जिनकी ईडी का छापा पड़ा वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में हो गए, जिनको 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार के आरोप लगाए 3 दिन बाद वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हो गए। तो ये नरेंद्र मोदी जी के लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। खूब खाओ लेकिन खिलाओ, ये उनका नारा है नया।